मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और जो स्थानीय निवासी हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। बधाई इस बात की कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनको सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, आते हैं और उनको लाया भी जाता है, जो आपको यहां पे नहीं दिख रहे होंगे। कहने का सवाल मेरा ये है, हमारा जो अमन कमेटी का उद्देश्य है वो शांति का उद्देश्य है। अभी हमें बेसिक मुद्दे पे आना है कि ये इसकी जड़ कहां है, प्रॉब्लम कहां पर है। ये सिर्फ अपने इलाके की बात नहीं है, ये देश की बात नहीं है, ये पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। इस कारण को देखना ये क्यों है। अभी हम अधूरे रह जाते हैं, हम जनरली अपना जो स्वराज अभियान है इसके बारे में हम लोगों को बताते नहीं है कि ये है क्या। थोड़ा सा मैं आपका समय स्वराज अभियान के बारे में भी लेना चाहूंगा और आपको ये भी महसूस कराना चाहता हूं कि ऐसे चीजों को समझने के लिए अगर आपने समय निकाला है तो असली इंसान आप ही हैं। मैं स्वराज अभियान के बारे में आपको बताऊंगा। हमें 15 महीना हुआ है, 14 अप्रैल 2015 को स्वराज अभियान की स्थापना हुई थी और पिछले 15 महीने में जो भी स्वराज अभियान ने किया है वो मैं संक्षेप में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको जो हिंदुस्तान की आजादी हुई थी उससे पहले लेके जाऊंगा थोड़ा सा। काफी लोगों ने कुर्बानी दी, हमारे जो पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कुर्बानी दी लड़ाई की गुलामी के अगेंस्ट में। आपको पता होगा कि 800 साल पहले हम गुलाम रहे, उसके बाद में 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे और अंत में एक नारा निकला था जिसमें बोलते थे कि हमें स्वराज चाहिए और पूर्ण स्वराज चाहिए। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, आपके दिमाग को थोड़ा हिलाना चाहूंगा कि क्या हमें स्वराज मिल गया? क्या हमको स्वराज मिल गया? हाँ, आप सबका यही है कि, और मेरा भी यही मानना है कि स्वराज हमको नहीं मिला है। बोलते हैं कि पहले भूरे थे और उसके बाद में काले आ गए, का मतलब हमारा खुद का जो राज है उसी को स्वराज समझ बैठे। हुआ क्या है, हमें ये समझना है कि हुआ क्या है। हमारे आने के बाद में अंग्रेज चले गए, उसके बाद में भी हमको स्वराज क्यों नहीं मिला? हमारे जो दिमाग है, हमारी जो सोच है, उसको अभी भी गुलामी पे हमको रखा हुआ है। का मतलब ये है कि चाहे वो जवान है, चाहे वो किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यवसाय करता है, अगर आपकी जो पॉलिसी निर्धारित करते हैं उसे साठगांठ नहीं है तो आप जो अभी जाल में फंसे पड़े हैं उसी में आप घूमते रहेंगे। हमारे बुजुर्ग भी ऐसे ही निकल गए और हम भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। इसकी घुंडी है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। हमारी सोच गुलाम कैसे बनी हुई है, जो हमको पैसा मिलना चाहिए कोई भी हम काम करें जीविका के लिए। अभी सिर्फ हम सुबह से शाम तक खाने कमाने पे ही लगे रहते हैं, उससे बाहर निकल के नहीं आते। हमारा जो पालन पोषण है खुद का और हमारे परिवार का वो पूरा नहीं हो पाता और हमें समय ही नहीं मिलता। अगर पालन पोषण नहीं हो पाता क्या हम अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं? डॉक्टर मूलचंद ने जो बेसिक चीज बताई थी बहुत ही अहम चीज है वो, अमन चैन आपका तब तक मिटा रहेगा जब तक हमारे बच्चे अशिक्षित होंगे। क्या हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। स्वराज अभियान एक मुद्दा ये भी लेके चलेगा दिल्ली में
कि जो अमीर जिनके पास पैसे हैं अमीर वो तो अपने बच्चों को एडमिशन दिला सकते हैं, और जो गरीबों के बच्चे हैं, हमारे जैसे लोगों के बच्चे हैं जिनके पास में लाखों रुपए नहीं है एडमिशन कराने के लिए, उनके बच्चे वहां पे नहीं पढ़ पाते। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हम समझ ही नहीं सकते कि इनका खेल क्या है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जितनी भी हिंदुस्तान में अभी तक आई है या अभी भी जो चल रही है, हमारी सोच को जकड़ा हुआ है, हमारी सोच को गुलाम बनाया हुआ है। वो कैसे होगा? हमें ये जो जनहित में जो मुद्दे हैं, जब तक हम इनको नहीं उठाएंगे, हम एक साथ नहीं जुटेंगे, तब तक आप कोई भी कमेटी बना लीजिए, कोई भी अभियान चला लीजिए, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे कुछ नहीं होने वाला है। और हम कौन? कोई ये नहीं कि कोई कांग्रेसी है या कोई बीजेपी का है, ये सब हमको बांटा हुआ है। हमको सब पार्टी लाइन से छोड़ के इकट्ठा होना है और इन बेसिक जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करना है, उनको जो है सुलझाना है। सुना रहे बयान, अभी मैं उस पर आता हूँ, थोड़ा समय तो मैं आपका ले रहा हूँ। हमने जो जनहित के मुद्दे हैं हिंदुस्तान के, हमने उनको उठाया। पहला मुद्दा हमने लिया जय किसान आंदोलन, किसानों का मुद्दा। पिछले जून जुलाई अगस्त 10 अगस्त को जंतर मंतर पर वो खत्म हुआ था। उसके बाद में सूखा होने वाला था, वार्न किया हमने हिंदुस्तान में, जो चाहे कर्नाटक हो या हरियाणा हो, यूपी हो, सारी राज्य सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि ऐसे होने वाला है, कई साल हो गए। और जब किसान की हालत ठीक नहीं होगी तो अनाज भी नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, महंगाई होगी, बाकी चीजें चल जाती हैं। किसी ने कुछ नहीं सुना। अभी आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमका मतलब स्वराज अभियान सुप्रीम कोर्ट गया, और आज थोड़ा सा सुनना हुआ क्या वहां पे, जो कि हम लोग बता नहीं पाते। कल भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, वृंदा कारक हैं सीपीआईएम की, उन्होंने भी कोर्ट किया हुआ था। हिंदू जो अखबार निकलता है इंग्लिश का, उसमें मैं उनका लेख पढ़ा। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड सुनिए, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमारे भाई हैं, उन लोगों की कर रहा हूँ जो भूखे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मजदूर हैं। हुआ क्या? 40 घंटे, 4 महीने, 40 घंटे सुप्रीम कोर्ट में बहस चली, स्वराज अभियान और बाकी सारी हुकूमतें। उस 40 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? उन्होंने बोला इट इज ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का बना हुआ है वो टूट गया है, क्योंकि जो मजदूर थे मनरेगा, आपने सुना होगा मनरेगा का, मनरेगा में लोगों से मजदूरी कराई गवर्नमेंट ने और उनको पैसे नहीं दिए। बुंदेलखंड में ऐसी हालत हुई, लोगों को घास की रोटी खानी पड़ी। आप और हम सिर्फ अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर तो इफेक्ट नहीं हो रहा। जो दूसरों की सोचता है, जो आप लोग आए हैं, आप दूसरों की सोचते हैं, इसीलिए मैं आपको भी बताना चाह रहा हूं कि इन चीजों से समझो और तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। बुंदेलखंड में लोगों को खाने का जो सूखा पड़ा और मनरेगा में जो काम किया था मजदूरों ने, पैसे नहीं मिले। फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनके पैसे दीजिए, ये गलत बात है। पता नहीं गवर्नमेंट क्या बोलती है, मैं नाम भी लेता हूं, जेटली साहब बोलते हैं इट इज इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी इन एग्रीकल्चर विच इज नॉट फेयर। का मतलब जो जुडिशरी है हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसको हमारे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए हमारे काम में। हमारे पास कितना पैसा है कितना नहीं है आपको क्या पता? मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन मंत्री जी को ये पूछना चाहिए जो मजदूर है उस पे आपने काम कराया क्यों, और अगर कराया तो आपने पैसे क्यों नहीं दिए?
वो बेचारा मजदूर, फिर इनको मजदूरी में इन्होंने मनरेगा में रखा था, वो कहते हैं अपने ढोल बजाए खूब पूरे हिंदुस्तान में, आज भी बजाते हैं कि 38,000 करोड़ हमने पैसे अलॉट किए, पैसे नहीं दिए, बाद में आके मजबूरी में इनको धीरे धीरे अभी 30,000 करोड़ इनको बांटने पड़े हैं मजदूरों के जो भूखे वहां पे घूम रहे थे। एनीवे उससे ज्यादा मैं अभी और उसमें नहीं जाऊंगा, और भी ऐसे काम स्वराज अभियान लगा हुआ है जहां तक जय किसान आंदोलन का सवाल है। दूसरा है शिक्षा का, शिक्षा में भी शिक्षा स्वराज जो मैं कह रहा था, अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो ये जो भी सोच है हमारी वो बदलेगी और उसके बाद में ही हमें अमन और चैन मिलेगा, तभी शांति आएगी। तीसरा हमने उठा रखा है एक्शन अगेंस्ट करप्शन एक्ट, एंटी करप्शन टीम बनाया हुआ है, उसमें मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा जो आपने एंटी करप्शन जो मूवमेंट हुआ था जिसको अन्ना मूवमेंट बोलते हैं।